Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आज मैं आपको बोलिविया लेके चलता हूँ. मेरी बुक में आप देख सकते हैं बोलिविया में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको हम सनातन धर्म से कनेक्टेड मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने आपको पहले बताया भोजन, भाषा और पूजा पद्धति. उनकी भाषा रहती अयमारा या फिर क्वेचा. और बोलिविया इज अ प्लेस ऑफ वेरी गुड ट्रेडिशनल मेडिसिन कलावाया. तो कलावाया जो लोग होते हैं दे एडमिनिस्टर ट्रेडिशनल मेडिसिन. अर्ली 21st सेंचुरी तक इनको इलीगल माना जाता था क्योंकि इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी बिकॉज बाय द फार्मास्यूटिकल. मैं फार्मास्यूटिकल कार्टेल्स ही बोलूंगा, कार्टेल्स ही हैं वो, क्योंकि दे डोंट अलाउ नेचुरल हीलिंग फॉर पीपल. और उनके द्वारा इनको जैसे भारत में आयुर्वेद के विरुद्ध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काम करता है, इसी तरह पूरे साउथ अमेरिका में अमेरिकन इन्फ्लुएंस चलता है. मोनोडॉक्ट्रिन के अंदर अमेरिकन कंपनीज नहीं चाहती कि लोकल कोई भी हीलिंग हो आउटसाइड द एलोपैथिक सिस्टम. एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, दीज आर ऑल कंपीटिंग सिस्टम्स. होम्योपैथी आयुर्वेद से निकला है लेकिन उसमें वो एल्कोहल ऐड कर देते हैं. मैं बचपन में सोचता था इसमें अल्कोहल की बू कैसे आ रही है, मतलब अजीब सा थोड़ा स्मेल आती थी, बट दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन इस अगेन इट्स नेचुरोपैथी, थ्रू अल्कोहल के माध्यम से वो ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, दैट इज होम्योपैथी. अगेन यूरोपियन इन्वेंशन. और लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं आयुर्वेद, उसका उसको वो नेचुरल हर्ब्स पे आधारित होती है. तो नेचुरली द टेस्ट एंड फ्लेवर विल बी नेचुरल एंड समटाइम्स नॉट सो गुड स्मेलिंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वेज. नहीं तो जो पर्सन हु इज सिक, फॉर देम एनी मेडिसिन इज गुड. तो कलावायन जो लोग हैं बोलिविया के, ये एक, मैं जब रिसर्च कर रहा था और मैं जाने वाला हूं वहां पे, तो वहां पर आई एम गोइंग टू स्टे विद द सेम पीपल. तो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, आई जस्ट वांट टू स्टे, क्योंकि आज उसके पास में थितियाका करके एक लेक है. थितियाका लेक के चारों ओर बहुत सारे नेटिव टेंपल्स हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, जहां पे लोग एक तरीके से ओम मंत्र का भी जप करते हैं. ओम, तो मैं उसको विटनेस करना चाहता हूं किस तरह वो करते हैं. लेकिन ये जो मेडिसिन मैन है, इस सारा कंटेंट उन्होंने मुझे दिया है, तो वो उन्होंने उनका सबसे, वो ब्रेन सर्जरी भी कर सकते हैं, दे कैन डू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, वो किडनी भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन, ये पहले से कर रहे हैं वो लोग, मींस कि उनके पास डायग्नोसिस के सारे टूल्स हैं. और एक कलावाया सिन फ्रंटेरास एक करके ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले 10 सालों में दे बिकम ए, दे हैव सेट अप स्टैंडर्ड्स बना लिए उन्होंने. अब दे आर कंसिडर्ड ऑन पार और इक्विवेलेंट टू अ मेडिकल डॉक्टर. उनको रिकॉग्निशन नहीं है लेकिन उनके जो अचीवमेंट्स हैं दे आर फिनोमिनल. जैसे कि पनामा कैनाल जब बन रही थी, आपको दिखाऊंगा मैप में, जब पनामा कैनाल बन रही थी तो लोगों को मलेरिया हो गया था, करीब 2-3 हजार लोगों को. कलावाया लोगों ने जाके उधर उनको ठीक कर दिया. और ये सारे एक ही कल्चर का पार्ट है, इंकास का. इंकास जो है लीमा सिविलाइजेशन से नीचे आए हैं. और इनका जो सिविलाइजेशन, इनका नाम है इनका, वो पेरुवियन सिविलाइजेशन है. माउंट एंडीज, जिसको हम हमारा नाम है उसके लिए उदय पर्वत, उदयगिरी पर्वत. उदयगिरी पर्वतों पर्वत के ही रहने वाले लोग हैं ऊपर से नीचे तक. और उनका पूजा पद्धति भी वही है. भाषा इनकी वेजिटेरियन भाषा भी इनकी क्वेचा होती है, जो अलग तरीके की भाषा है. उसका संस्कृत से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है लेकिन पृथ्वी पे हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं से भाषा है जो फोनेटिक होती है. वो एक तरीके से हम उसको लूजली कनेक्टेड मान सकते हैं भारतीय भाषाओं, क्योंकि भारतीय भाषाएं भी सारी फोनेटिक है. मतलब हम लोग जो है देवनागरी में भी इंग्लिश लिख सकते हैं, देवनागरी में
एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ जारी हम कोई भी किसी को भी लिख सकते हैं देवनागरी में, किसी भी भाषा को। और उसी तरह कोयचा भी एक लैंग्वेज है जो कि रिटन डेवलप इतनी ज्यादा नहीं हो पाई, तो कभी कभी यहाँ पे लोग रोमन लेटर्स भी यूज करते हैं। लेकिन उसके लिए एक अलग मूवमेंट चल रहा है कोयचा है हमारे लैंग्वेजेस को रिवाइव करने के लिए। आप जो सुनते हैं ना बोलिविया की कहानियां, अर्जेंटीना की कहानियां, हवियर मिले, ये सब जो है कॉलोनाइजर्स की कहानियां हैं, ये सब उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने कॉलोनाइज किया। जैसे अर्जेंटीना है वो इन सब ट्राइब्स को पूरी तरह से इग्नोर करता है, हमको ऐसे दिखाया जाता है कि वो हेवियर मिलर स्पेनिश कंट्री स्पीकिंग कंट्री है। अर्जेंटीना स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री कॉलोनाइजेशन की वजह से है, और जो कॉलोनाइज लोग हैं वही स्पेनिश ज्यादा यूज करते हैं, जबकि गांव में इतनी ज्यादा भाषा यूज नहीं होती है। गांव में वहां पे उनकी कोयचा चलती है, कोयचा जिसको अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट कोई रिकॉग्नाइज नहीं करने वाली। इस रीजन की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट, उसके बाद है चिलियन गवर्नमेंट, और उसके बाद बाकी देशों की गवर्नमेंट्स है, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, ये सब बाकी देश। मैं चल रहा हूं आपको बोलीविया लेके, क्योंकि बोलीविया में कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी नेटिव कम्युनिटी से बनाए गए, इंडिजिनस कम्युनिटी से बनाए गए। और बोलीविया में बहुत प्रोटेस्ट भी चल रहा है चर्च के विरुद्ध, क्योंकि इन सब देशों में चर्च और गवर्नमेंट साथ में काम करते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना में चर्च और वो जो मुझे तो पागल दिखता है वो। तो आपको पॉलिटिक्स को दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अब वो सारे चीजें डिसीजन ले रहा है अर्जेंटीन प्रेसिडेंट, इट इज ओनली फॉर द प्लीजिंग द वेस्टर्न मास्टर्स, मतलब उसके जो मास्टर कहां बैठे, स्पेन में बैठे हैं और यूएस में बैठे हुए हैं। तो आप जो भी टकर कार्लसन को सुनते हैं या किसी और को सुनते हैं अमेरिका में, तो वो सब आप तरीके से सोच लीजिए कॉलोनाइजर्स स्टोरी वो बता रहे हैं, वो उनका लोकल स्टोरी नहीं है। लोकल लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अर्जेंटीना की 12% पॉपुलेशन नेटिव है, और बोलीविया की 80% पॉपुलेशन नेटिव है, चिले की 45% नेटिव है, उरुग्वे पैराग्वे की 45% पॉपुलेशन नेटिव है, पेरू की 75% पॉपुलेशन नेटिव है, मतलब जो नेटिव रिलीजन में बिलीव करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, और बाकी सब जो है कॉलोनाइजर्स है। जब अर्जेंटीना जब रिच बना, पहले बहुत रिच था, उसको कंपेयर करते थे स्पेन के साथ या यूरोप के साथ, वहां की बिल्डिंग्स और ये सब, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पेन को ही वापस बना दिया याद में, जैसे कभी कोई हिंदू भारत से बाहर जाए दूसरे देश को हिंदू ही बना दे, तो वो अच्छी बात है, होना चाहिए। जैसे फिजी है, गायाना है, बहुत सारे देश है, बारबाडोस है, ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, सुरीनाम है, तो ये सब अच्छे अच्छे देश हैं जहां पे हिंदुओं ने अपना वर्चस्व रखा है और अपने आप को अपनी अपनी संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन बोलीविया की कहानी कुछ और है। बोलीविया में वहां के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर ही सब आक्रमण होते रहते हैं, जैसे भारत पर, भारत के मूल निवासी हिंदुओं पर ही सारे आक्रमण होते हैं, उनके कल्चर को अनदेखा किया जाता है। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, हिंदुओं की गवर्नमेंट्स भी ऐसा करती है बहुत बार, और हम देखते हैं उसको। बट बोलीविया की कहानी ऐसी है कुछ और, कि बोलीविया को आप ये मत मानिए कि बोलीविया विल बी ए मतलब क्रिश्चियन कंट्री है, कैथोलिक नहीं, बिल्कुल कैथोलिक नहीं है, अपोज करते हैं वो, तो पूरी तरीके से अपोज करते हैं, और वो सपोर्ट ढूंढते पूरी दुनिया में ताकि उनके वर्चस्व को बचाया जाए, और साथ में वो स्वयं भी बहुत लड़ते हैं। तो उनके ही मेडिसिन मैन कलावाई की कहानी आज मैं बता रहा हूं कि किस तरह उनका आयुर्वेद से बहुत कनेक्शन है, आयुर्वेद के जैसा ही वो लोग जड़ी बूटियां ढूंढते हैं और साथ में उनको लोग क्योर करते हैं। उनके जो देवता है उनको बुलाते हैं उष्ण, उष्ण तो एक ही है, शुक्राचार्य है ना, वो भी मेडिसिन मैन है। संजीवनी विद्या बृहस्पति को उष्ण ने दी, कृष्ण आप भगवद गीता में पढ़ सकते हैं। अब ये वही उष्ण है जो मैं आपको मैक्सिको में बता रहा था कि वो वीनस प्लैनेट के ऊपर उष्माल में मैंने किया था, वो भी उष्ण का नाम है, उष्ण माल, माल बाद में ऐड किया गया, मल मतलब खराब होता है स्पेनिश में, तो उष्माल हो गया, जबकि हम कभी कभी हम मल हम यूज करते हैं भारत में भी काफी लोगों के सरनेम में, लेकिन उसका मल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो मल यूज किया जाता है एज ए लविंग एड्रेस, जैसे तोदर मल, ये प्यार वाला एड्रेस है, बट इन स्पेनिश लैंग्वेज माल मीन्स बैड, माला, मालेवोलेंट इंग्लिश का वर्ड आता है, मालेवोलेंट इस तरह के वर्ड आते हैं। चलिए आज की यात्रा पे शुरू करते हैं हम लोग बोलीविया की तरफ। आप लोग बताइएगा कि मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है कि नहीं, सो दैट यू कैन कमेंट ऑन इट और मेरे को बता दें।
पहले तो साउंड चेक कर लो। ओके परफेक्ट। चलिए ये है, ऐसे दिखते हैं यहाँ के मेडिसिन मैन। थोड़ा मैं बड़ा स्क्रीन करता हूँ, ऐसे दिखते हैं। ये एक पिक्चर है, अभी मैं लाइव पिक्चर्स आएंगे जब मैं वहां पर होऊंगा तब आपको दिखाऊंगा लाइव पिक्चर्स। और ऐसे वो अपने साथ बड़े हंस मिजाज लोग होते हैं, खुश रहते हैं एकदम, और इतना इनके ऊपर अत्याचार हुआ लेकिन फिर भी अपने आनंद में रहते हैं एकदम। और इनकी सांस्कृतिक धरोहर कहीं गई नहीं। इन्होंने बड़ा चालाकी से क्या किया, स्पेनिश लैंग्वेज को भी यूज किया और साथ में और ट्रिमेंडस, मैं तो बात करता हूँ इनसे, मेरे मित्र है वहां पे, दो तीन मित्र है, एक नहीं है पूरा एक परिवार है, एक तो एकदम हंस मिजाज सारा दिन, हंस मिजाज हंसते रहते हैं, जोर जोर से अपने मजाक करते हैं, वेरी गुड पीपल, मजा आता है इनके साथ बात करने में। और वो कहाँ रहते हैं मैं उस जगह पे लेके चलता हूँ, मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। लेट मी शेयर दिस प्लेस। ये जगह है चाराजनी, ये हल है, यहाँ का हब है, ये पूरा पूरे रीजन का हब है, मतलब इस गांव के सारे लोग, मैं ही पहुंचने वाला हूं, इस गांव के सारे लोग एकदम ट्रेंड है, बहुत ही सुंदर गांव है। अब मैं कैसे वहां पहुंचूंगा उसकी कहानी मैं आपको अलग बताऊंगा, प्लेन से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं प्लेन से नहीं जाऊंगा यहाँ पे, मैं वहां पे लैंड करके कहीं पे वहां से ड्राइव करके पहुंचूंगा, क्योंकि वो यहाँ के प्लेन्स की कहानी तो कुछ और ही होती है, मतलब नेपाल के प्लेन्स और यहाँ के प्लेन्स ऐसे ही होते हैं जो कब कौन सा उड़ जाएगा किसी को पता नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहीं लैंड करूंगा, वहां से ड्राइव करके पहुंचूंगा इधर। गुड थिंग यहाँ पे क्या होता है कि आप चिले में उतर जाओ फिर वहां से ड्राइव करवा लो, ऐसा कहीं पे भी आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये जगह बहुत ही जबरदस्त है, और मैं आपको लेक की जो बात बता रहा था वो ये लेक है तितिकाका, और तितिकाचा बोलते हैं इसको। और इसके चारों ओर मेरी बुक देखिएगा जो है गोल्ड द ओरिजिनल एटलस, वो आपको चारों ओर इसके इतने भयंकर स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था पुष्कर द्वीप है, और ये पहाड़ उदयगिरी पहाड़ है, इसको आजकल एंडीज बुलाते हैं लेकिन उदयगिरी पहाड़ है, और अनकोनुना और कलजादा, ये सब जो पहाड़ों की श्रृंखला है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है सारे, ये तो बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। और साथ में यहाँ पे बड़े जबरदस्त तरीके के वो रहते हैं, मतलब जानवर आपको मिलेंगे, स्पीशीज मिलेंगे, मंत्र जब यहाँ पे जबरदस्त चलता है, एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, वेरी ब्यूटीफुल। ये लेक की तरफ से दिख रहा है पिक्चर, जो साइड में दिख रहा है लेक की तरफ से पहाड़ों का पिक्चर, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ दिख रहे हैं वो यही है सारे, वो यहाँ से दिखते हैं तितिकाका लेक से। इनके लिए बहुत ही सेक्रेट जगह है, बहुत बड़ी लेक है, छोटी लेक नहीं है, बहुत बड़ी लेक है। और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे वनस्पति मिलेंगे, और यहाँ पे जिनकी पूजा की जाती है देवता की, उनके चार सिर हैं, चार सिर ब्रह्मा के ही होते हैं, ये सारे सेक्रेट जगह हैं इनके लिए। इनके नाम अभी भी नेटिव हैं क्योंकि सब कुछ चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि आप मान लो जितने भी स्पेनिश या कोई कॉलोनाइजर्स हैं ये फोर्ट्स में रहते हैं, किलों में रहते हैं, कि अपने किलों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इनकी जितने भी सिटीज हैं दे आर लाइक फोर्ट्स, और वो सारे सिटीज कोस्ट पे होंगे ताकि भाग जाए, अंदर नहीं जाते वो लोग, तो अंदर का कल्चर बचा रहता है। जैसे भारत में भी मुंबई, गोवा, पोंडिचेरी, इन सब जगहों पे ज्यादा कॉलोनाइजेशन हुआ, और भी कोचीन और ये सब जगहों पे हुआ, चर्च वहां पे स्थापित हुए ताकि वहां से बाहर निकल जाए, कन्वर्जन करके बाहर निकल जाए। अभी आजकल गड़बड़ी शुरू हो चुकी है कि लोग अंदर भी घूमते हैं, इन गांवों में कन्वर्जन नहीं हो सकता कहीं पर भी। ये सारे जितने भी आपको पहाड़ एंडीज के जो पहाड़ दिख रहे हैं, उदयगिरी पर्वत के, और ये जंगल प्रिजर्व्स हैं, इधर कहीं भी पहाड़ नहीं हो सकता, मतलब कन्वर्जन इतना ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे लोग दे आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट दिस चर्चेस डू टू देयर कंट्री। तो ये जगह आप देखिए कितना कोने में है, इट इज लाइक देयर हब, पेरू से ज्यादा दूर नहीं है, बोलीविया पेरू के बॉर्डर पर है ये, और तो ये पूरा नीचे तक कल्चर इसका चलता है अर्जेंटीना तक, और पूरा ऊपर तक नॉर्थ। जैसे आप भागवत पुराण में, अगर पुराणों में डिस्क्रिप्शन आप देखते हैं तो इनके पश्चिमी तट पर ही सिर्फ पहाड़ है, देखिए इतना एक्यूरेट है हमारे पुराण, पश्चिमी तट पर ही सिर्फ पहाड़ है। और यहाँ पर मैंने आपको पुराण प्रूफ कर चुका हूँ किस तरह यहाँ पर जो है, फिर भगवान राम की सेनाएं आई थी यहाँ पर,
पेरू में उसको रामायण में वर्णन है, सुग्रीव में वर्णित वानर की सेनाएं आई थी उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। अनंत पहाड़ है वो भी हम डिस्कस कर चुके, अनंत नाम के पहाड़ है। और ये जगह लापाज के बहुत पास है, ज्यादा दूर नहीं है, तो लापाज इज देयर इज अ कैपिटल, तो वहां पे लैंड करके वहां पे जाया जा सकता है। चाराजनी ये 8 घंटे का ड्राइव होता है वहां से बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, और वहां से आप आगे जा सकते हैं। नाउ इस पूरे रीजन में आपको डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स मिलेंगे जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं। आजकल अमेरिका में बहुत फ्रॉड भी चल रहा है नेचुरोपैथी के नाम पर, नेचुरोपैथी के नाम पर वो लोग कुछ भी बात करते हैं, वो बेच रहे हैं साइको, जैसे शमन बुलाते हैं, शमन, शमन इज ए पेजोरेटिव वर्ड, हिंदी में उसको बोलते हैं चमन, तो वही शमन बन गया, तो हिंदी से इंग्लिश में आया वो। और उसमें इसे मतलब नेगेटिव वर्ड है वो, उसी वो ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में उसको सबको शमन बुलाया गया अंटिल 2010। अब नहीं, अब इट इज रिकग्नाइज एज ए फॉर्मल हीलिंग क्योर। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं यहाँ पे, मैंने बड़े बड़े मतलब मेक्सिको का प्रेसिडेंट यहाँ पे आया क्योर करवाने के लिए, कौन सा डिजीज पता नहीं, ब्राजील का प्रेसिडेंट आया, और भी अनेक पॉलिटिकल लीडर्स आते रहते हैं यहाँ पर अपने आप को क्योर कराने के लिए, क्योंकि ये यहाँ के लोकल हीलर्स हैं। बहुत सारे बीमारियों का आपका जवाब नहीं होता है, लेकिन नाड़ी के द्वारा या आपके प्राणवायु जैसे इडा, पिंगला, सुषुमा, उनके माध्यम के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि प्राण कहाँ पे अवरुद्ध हो रहे हैं शरीर में, और उस तरह से आप यू कैन क्योर। एग्जैक्टली सेम मेथोडोलॉजी दे यूज। तो ऐसा लगता है कि जैसे आयुर्वेद के प्रैक्टिस, इनको आयुर्वेद का ज्ञान है, जैसे आयुर्वेद में तो लिख दिया गया है, संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन उसका ज्ञान तो किसी भाषा में लिखा जा सकता है। तो एक कनेक्शन कॉमन मिलता है कि कहीं ना कहीं से, बिकॉज दीस पीपल आर एक्सपर्ट इन आइडेंटिफाइंग हर्ब्स। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, जब मैं गया था महेंद्र पर्वत पे, महेंद्रगिरी पे, साउथ अपना केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पे, वहां पे मैं एक थोड़े से बड़े गड्ढे में गिर गया, तो बड़े बड़े कांटे थे और वो मेरे शरीर में लग गए, और इट वॉज वेरी डीप। तो वहां के लोकल में एक लड़का था, हेल्प भी कर रहा था मुझे मेरे कैमराज में, और तो मैं उनके पास गया, उन्होंने देखा, वो मेरे साथ ही थे, उन्होंने फटाफट वहां पर एक, अगर वो देख रहे हो मेरा शो तो प्लीज बताइए, उनको हिंदी आती है, तो उन्होंने फटाफट एक पत्ती तोड़ी, ऐसा लिक्विड बनाया, मेरे उन घावों पे डाल दिया, बहुत सारे थे, पूरा हाथ कट गया था उस समय, एंड विद इन 1 आवर आई वॉज क्योर्ड, 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, और मुझे विश्वास है इन लोगों पर। तो मैंने कोई ज्यादा आवाज भी नहीं किया, बिकॉज वो मेरे को, मैंने बोला डॉक्टर को बुलाओ, कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है लगा दो भाई जो कर रहा है, एंड विद इन 1 आवर आई वॉज क्योर्ड, 1 आवर। और ये 8-9 महीने पहले की बात है, पिछले साल ही, 1 साल भी नहीं हुआ उस बात को, तो वो आई हैव सीन दैट मिरेकल। और मेरा दूसरा एक और मैंने देखा है पेरू में, जब मैं कुस्को में था, और वहां पर भी मुझे ऐसी चोट लगी, तो वहां के लोकल जो मेडिसिन मैंने शमन थे, उन्होंने मेरे को क्योर कर दिया 1 घंटे के अंदर, वो भी क्योर हो गया 1-2 घंटे में। सो देयर आर दीस पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको मालूम है कौन से पत्तों को चूज करना है, फिर उसको उन्होंने उसको किस तरह लगाना है, उसका भी एक विधि होता है कि जूस कैसे गिरना चाहिए उस वुंड के ऊपर। और बिग था, काफी बिग, लाइक मेडिकल सर्जन, यहाँ पे अमेरिका में तो मेरे को वो पट्टी वट्टी बांध के बिठा देते कि नहीं अब आगे नहीं जाना है, इन्होंने नहीं हो गया काम, आगे चलो 1 घंटे में ठीक हो जाओगे, एंड देयर सच गारंटी दे है। एग्जैक्टली दैट्स द प्लेस, चराजनी। कभी आप चलिएगा चराजनी में, विल गो टुगेदर। अगर आप लोग सतोलॉजी के रिट्रीट्स में चलेंगे तो विल गो टुगेदर देयर। दिस इज द प्लेस। उसके पास में तिथियाका लेक है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के आगे द सेम कम्युनिटी वेंट नॉर्थ टू पनामा, और इनके बारे में बहुत सारी चीजें काफी फेमस हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दे वर द फर्स्ट पीपल टू क्रिएट ए मेडिसिन फॉर डेंगू काइंड ऑफ फीवर। दे वर द फर्स्ट पीपल टू क्रिएट मेडिसिन फॉर, जब कोरोना पेंडेमिक आया था, आपको आश्चर्य होगा, दे रिजेक्टेड कोरोना पेंडेमिक, दे सेड नो। इनफैक्ट यूनेस्को ने और
और उनका जो एक प्रेसिडेंट था एवो मोरालेस, 2006 में उन्होंने प्रूफ किया क्रेडिबिलिटी ऑफ नेचुरलिस्टिक मेडिसिन। इट्स ए वेरी पॉजिटिव स्टोरी ऑफ बोलिविया कि बोलिविया इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ हर्ब। अभी तक आप लोग बोलिविया को फुटबॉल टीम की तरह से जानते हैं कि फुटबॉल में फीफा में दे प्ले वेरी गुड गेम, बट दिस इज द बिगेस्ट एडिशन टू द एंटायर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्कर द्वीप। पुष्कर है हमारे लिए वो पुष्कर द्वीप, और इनको कभी कभी लोग अपने आप भाषा को बोलते हैं मच्छर जुआ है, तो मच्छर जुआ है, मच्छर यूआ है बोलते हैं, मच्छर जुआ है, और उससे ये लोग लोगों को क्योर भी करते हैं मच्छर जुआ है पे। और उनके जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई अगर बीमार पड़ गया, बहुत गहरा बीमार है, तो उस समय ये लोग जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं अगर कुछ बीमारी को आप किस तरह क्योर ना कर पाए उस समय हरिनाम लीजिए, उस तरह का हरिनाम इधर चलता है। All these things I want to see over there. तो बोलिविया को एक नए तरीके से भी आपको देखने की आवश्यकता है, और दिस इज अ ग्रेट प्लेस फॉर भारत टू ऑल्सो मेक ए रिलेशनशिप विद देम। सो भारतीय आयुर्वेद एंड कलावाया दे शुड मेक ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कलावाया मेडिसिन और भारतीय आयुर्वेद का एक रिलेशनशिप होना चाहिए, बिकॉज देर मेनी मेडिसिन विच वी कैन एक्सचेंज और लर्न मोर अबाउट इट। ऑल्सो इनका जो ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं विच दे यूज फॉर जॉइनिंग द बोन्स, किसी हड्डी टूट गई है तो, या फिर ऑपरेशन करना है सीजेरियन कैंसर निकालने के लिए, या फिर ट्यूमर निकालने के लिए, दे आर एक्सपर्ट्स इन ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं ब्रेन सर्जरी भी दे यूज टू नो, तो आयुर्वेद में भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। And they are also known for removing impotency for many men, and also important for many jiska koi bachcha nahi ho raha hai for some other reason, to usme bhi they help a lot. And they are, because they are now legalized in a way, so this has grown, ek explosion ho gaya hai wahan pe for the for medical treatment, naturalistic medical treatment, naturopathy. तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस एंड वेरी एजुकेटेड पीपल, मीन्स आप उनको देख सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी व्हाट यू से वेरी हम्बल एंड ऑल्सो ए ग्रेट नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड हर्बल मेडिसिन। सो दिस वॉज अ शो लिटिल बिट शॉर्ट शो, और मैं बताना चाहता था दिस द एरिया विच इज द यूनेस्कोज साइट नाउ। यूनेस्को के कुछ काम अच्छे होते हैं, सारे काम आई डोंट लाइक, बट कुछ काम अच्छे होते हैं, विच इज वन ऑफ दीज, where they are helping in preserving the actual medicinal heritage of Bolivia. And so Charazani is the place, and Kalawaya medicine is a name, and also it is, I think, it has a close relation with Ayurveda, but all of us should see if we can cooperate or saath mein log kaam kar sake. Thank you all for this short show, or I think you enjoyed it. I hope you enjoyed it. Do like, share, subscribe. हमारे चैनल को बहुत बुरी तरह बंद करके रखा हुआ है, एंड दिस इज चांस फॉर यू टू लाइक तो दबाइए और लोगों को शेयर करिए, एंड टुगेदर वी कैन प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट सत्तोलॉजी हेरिटेज, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज इन अंडर सत्तोलॉजी, साइंस ऑफ ट्रुथ, स्टडी ऑफ ट्रुथ। नमस्ते एंड थैंक यू। जय जगन्नाथ।